Hey guys, welcome back to my channel. I'm Prerna Mishra. So guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द यूनिवर्सिटीज दैट कम अंडर 30 lakhs. सो गाइज, इस वीडियो में मैंने जितने भी यूनिवर्सिटीज मेंशन किए वो फुल्ली इंग्लिश यूनिवर्सिटीज हैं और मैंने बहुत सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रख के ही इन यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट किया है. तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि वो क्राइटेरिया क्या है. और आप अगर खुद से भी कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं तो गाइज, इन क्राइटेरियाज को ध्यान में रख के ही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिएगा. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज, जब सबसे पहली यूनिवर्सिटी आती है वो है क्रीमिया फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी. सो गाइज, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और यहाँ के अगर ट्यूशन फीस की बात करें तो वो आपको पड़ती है 3 lakh rubles पर ईयर, जिसको अगर हम INR में कन्वर्ट करते हैं 1.12 के रेट पे, सो इट विल कॉस्ट यू 3,39,000 INR. एंड गाइस, अगर यहाँ के हॉस्टल फीस की बात करें सो इट रेंजेस फ्रॉम 9,000 to 50,000 rubles, जो कि अगर हम INR में कन्वर्ट करते हैं 1.13 के रेट पे तो इट विल कॉस्ट यू 10,170 to 56,500 INR. एंड गाइस, यहाँ के टोटल बजट की बात करें जिसमें इंक्लूड होता है ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, फूड, ट्रैवल एक्सेट्रा, ऑल द थिंग्स फॉर 6 years, तो ये आपको कॉस्ट करता है अराउंड 28 to 29 lakhs. और गाइस, यहाँ पे इंडियन मेस अवेलेबल है लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होती है. वो आपको पड़ जाती है 10,000 rubles पर मंथ. तो आपके पास यहाँ पे सेल्फ कुकिंग का भी ऑप्शन रहता है, तो आप दोनों में से जो आपको सही लगता है वो ऑप्ट कर सकते हैं. तो गाइज, ऐसे तो क्रीमिया बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और वहाँ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी जाते हैं. बट गाइज, अभी वहाँ उस साइड पे थोड़ा वॉर सिचुएशन चल रही है. ऐसा नहीं है कि अभी एडमिशंस नहीं हो रहे या फिर यूनिवर्सिटी पे कोई इसका इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है. सारी चीज़ें वहाँ नॉर्मल ही है. बट स्टिल मैं आपको सेफ्टी कंसर्न के नाते बता दे रही हूँ कि अभी उस साइड थोड़ा वॉर की सिचुएशन चल रही है. सो गाइज, अब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है बश्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. और ये एक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है. एंड गाइज, इसकी ट्यूशन फीस की बात करें सो इट कॉस्ट यू अराउंड 2,94,120 rubles पर ईयर, जिसको अगर हम 1.13 के रेट में कन्वर्ट करते हैं सो इट विल कॉस्ट यू 3,32,355 INR. एंड गाइज, अगर यहाँ के हॉस्टल फीस की बात करें तो इट कॉस्ट यू 12,000 to 33,500 rubles, जिसको अगर हम INR में कन्वर्ट करते हैं 1.13 के रेट पे सो इट विल कॉस्ट यू 13,500 to 27,800 INR. और गाइज, अगर यहाँ के टोटल बजट की बात करें इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, सॉरी फॉर द नॉइस अगर आपको आ रहा है तो, गिरे पड़े जाते, चलो छोड़ो हम मना ही देते. सो गाइज, यहाँ के अगर टोटल बजट की बात करें जिसमें इंक्लूड होता है ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, ट्रैवल, फूड एक्सेट्रा, एवरीथिंग फॉर 6 years, सो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 29 lakhs to 30 lakhs. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट डाउन बिलो और यू कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिलो टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन माय चैनल. सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.